एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में आज बताएंगे। पहला आज बताएंगे कि उत्तर कुंजी का मैटर, लोग बहुत अधीर थे कि उत्तर कुंजी का मैटर कब होने वाला है, कब सुनवाई होने वाली है। तो अभी लिस्टिंग हुई है, उसकी सुनवाई लगातार अगस्त में होगी। 27 को शो कर रहा है डेट, तो उस डेट में नोटिस जारी होगा सभी पक्षों को, जितने भी पार्टी हैं, पहले से पार्टी हैं या जो और पार्टी भी बनना चाहते हैं, सबकी फाइलिंग हो जाएगी और सभी लोगों की सुनवाई एक साथ होगी। तो सभी साथी अभी घबराए ना कि उत्तर कुंजी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमने कहा था कि लगातार सुनवाई होगी, उसमें बहुत ज्यादा अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है जब सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 2 महीने के, तो 7 तारीख से जोड़ लीजिए तो 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 अगस्त से 7 सितंबर, तो अभी टाइम है। 4 ही सुनवाई में 3 ही सुनवाई में क्लियर हो जाएगा। अगर 4 सुनवाई मिलता है, हर हफ्ते में मिल जाए तब भी बहुत है, 1 हफ्ते में कभी कभी 2 बार मिल जाता है तभी बहुत हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा जिरह नहीं करना रहेगा, केवल हमको यूजीसी की रिपोर्ट जो मांगी गई थी उसी रिपोर्ट को हमको बहाल कराना है। बार बार उसी पे हमको फोकस करना है कि जो यूजीसी की रिपोर्ट थी, आपने जो स्टे दिया है, वो यूजीसी की रिपोर्ट को आप एक बार उसको एनालिसिस करने दीजिए, उसको धरातल पर लाने दीजिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर में कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। तो पहले हमको ये करना है कि केवल और केवल प्रथम डिमांड ये है कि हम यूजीसी की रिपोर्ट को बहाल कराएं। जब सिंगल बेंच ने यूजीसी की रिपोर्ट को कहा है तो पहले हम उसको बहाल करा दें। यदि वो बहाल हो गई तो सबसे बड़ी जीत हमारी यही हो जाएगी कि यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट जो आने वाली है उसमें क्या लिखा है उसको मांगा जाए, टाइम बाउंड हो जाएगा, तो वो बेहतर हमारे लिए हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा बार बार, यदि जज महोदय सहमत नहीं होते उन चीजों पे, वो कहेंगे कि नहीं आप बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, यदि वो नहीं होते हैं, कन्वेंस नहीं हुए, तो उस पर डिस्कस होगा पुनः, जैसे जिस प्रकार सिंगल बेंच में डिस्कस हुआ था उसी प्रकार यहां भी बहस होगी, यहां भी वकील उतरेंगे कि ये क्वेश्चन इधर है, ये क्वेश्चन उधर है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी जो है समस्या यहाँ पे ये नहीं होती है, इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार से हमको बात को रखनी है। सरकार अपनी मनमाना कर रही थी, तो सरकार अगर मनमाना कर रही थी तो अब मनमाना इसलिए नहीं बहुत ज्यादा करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आप यहाँ बात आके रखो, अपनी समस्याओं को सॉल्व करो। यदि अपनी समस्या हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो है हम पहला यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट को बहाल करें। यदि जज महोदय सहमत नहीं होते हैं, क्वेश्चन को सुनने के लिए कहते हैं, तो डिस्कस होगा जिस प्रकार सिंगल बेंच में लगातार डिस्कस हुआ था उसी प्रकार हम लगातार इस पर भी डिस्कस कराएंगे। तो सुनवाई लगातार कंटिन्यू मान के चले कि अगस्त में ही होगी। 27 को लगा है, 27 को अभी बहुत सारी फाइलें हैं, हमारी फाइलें हैं और लोगों की फाइलें हैं, सारी लोगों की फाइलें लिस्टिंग होगी। अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, तो लिस्टिंग होते होते धीरे धीरे एक साथ सबकी सुनवाई प्रारंभ होगी। तो सुनवाई सबका एक साथ चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आगे हो पीछे हो, तो अभी डिस्पोज होगा नहीं, अभी टाइम भी है। तो सभी लोग, जितने भी लोग रहेंगे, जिनको भी पार्टी बनाना होगा, बनना होगा, सभी लोग, सरकार जो है सबको पार्टी नहीं बनाई थी, पार्टी 2-3 लोगों को बनाई थी, पहले उनका होता है, फिर प्रोसेस है कि सभी लोग जो है अपने को पार्टी बनाएंगे। तो पार्टी बनने के लिए भी एप्लीकेशन डाला जाता है कि हमारी बातों को सुना जाए। एक परमिशन टू फाइल थी, उसी परमिशन टू फाइल करने के लिए जानते हैं वकील जो वहां पे मेंशन कराता है कि हमको परमिशन लिया जाए। यहाँ अमेंडमेंट फाइल होती है, जब हमको पार्टी बनना होता है तो अमेंडमेंट फाइल होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, अमेंडमेंट फाइल होकर के डबल बेंच में चला जाएगा और डबल बेंच में जज महोदय अलाउ कर देंगे कि आपको भी सरकार पार्टी बनाए। तो जिस प्रकार और लोगों को पार्टी बनाकर रीट संख्या मिली हुई है, उनका 154 है, 152 है, 157 है, 156 है, इस प्रकार जो है सभी को मिलेगा कोई ना कोई, सबको जो भी पार्टी बनना चाहते हैं, जो डबल बेंच में थे, सिंगल बेंच में थे, डबल में जाना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, जैसे 100 एक कैंडिडेट, इसमें 100 एक फाइल में 100 लोग हैं,
सपोज दैट मान लेते हैं सिंगल बेंच में सभी लोग थे, 100 में से 50 ने कहा सर अब हम नहीं जा पाएंगे, हम लड़ने के इच्छुक नहीं है, तो क्या 50 नहीं जाएंगे? तो 50 की अलग से फाइल जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग की फाइल जाएगी, तो 50 लोग की फाइल बनेगी 50 लोग ले जाएंगे। या किसी में सपोज दैट जो है 30 लोग थे सिंगल बेंच में, कमी कम संख्या में बहुत सारी रीड फाइल हुई थी, तो सपोज दैट 30 लोग हैं, अगर वो 30 लोग में अगुआकार नहीं जाना चाहता है या बीच में 5 लोग नहीं जाना चाहते तो 15 लोग बचेंगे, तो 15 लोग वो फाइल कर सकते हैं, वो भी अप्लाई करेंगे कि सर माय लॉर्ड हमारी समस्या हम सुनना चाहे, हमको सुनिए, हमको जो है आप दीजिए, हमको पार्टी बनाइए, तो भी पार्टी बनाएगा। तो उसका वो प्रोसेस है, सुनवाई सबकी होगी, सुनवाई एक साथ होगी, लगातार सुनवाई, जिस प्रकार सिंगल बेंच में जो पहले गए थे उनकी भी सुनवाई हो रही थी, जो बाद में गए थे उनकी भी, सारे लोगों की सुनवाई होगी, यहाँ भी सुनवाई होगी। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी फाइलिंग हुआ था, जो लोग 15 तारीख को फाइल किए थे, या हमारा 19 तारीख को फाइलिंग हुआ था, या किसी को 13 तारीख को फाइलिंग है, जिस प्रकार फाइलिंग होगी सभी को एक साथ सेम मैटर पे कंप्यूटर जनरेट कर देता है और सारा चीजों को एक साथ सुनवाई करता है। तो ये तो रही कि उत्तर कुंजी का मैटर कंटिन्यू आपका अगस्त में सुनवाई चालू हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि 40-45 पर जब कल मुद्दा हम बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनिए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि आखिर में इसमें रिटर्न आर्गुमेंट देने के लिए जो है क्या क्या लोग अपना रहे हैं। तो अब यहाँ पे सुनने में भी आया है कि जो है शिक्षा मित्र जो है वो सिंगल बेंच के भी ऑर्डर को भी मेंशन करा रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्डर को एक मेंशन कराते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ललित साहब जो है कहें कि जो है सारा चीज को आप जो है रिटर्न में आप आर्गुमेंट में लिखित दे दीजिए, तो लिखित में होने वाला है कि लिखित में क्या क्या वो लगाते हैं। अब वो शिक्षा मित्र जो है सिंगल बेंच को भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वहां ऑर्डर हुआ था। सरकार क्या करेगी? डबल बेंच का लगाएगी, क्योंकि यहाँ दूसरा ऑर्डर हुआ था। तो सारे पक्ष के लोग अलग अलग अपनी ऑर्डर को लगाएंगे और उसी आधार पे जज महोदय अपना डिसीजन देंगे। अब डिपेंड ये करती है, मेरा प्रथम प्रश्न यही है, जैसे बहुत से लोग जो है इसको भी हो सकता है कुछ लोग मेंशन कराएंगे, जो लोग वहां लड़ रहे हैं 40-45 पे लड़ रहे हैं, वो लोग मेंशन ये कराएं कि जिस प्रकार आप सोच लीजिए कि 82 अंक पाकर के ओबीसी का कैंडिडेट, हम इसी मुद्दे को कल कहने वाले थे, 82 अंक पाकर के एक ओबीसी का कैंडिडेट एससी का कैंडिडेट पास हो जाता है और जनरल का कैंडिडेट 90 नंबर ला करके टेट में पास हो जाता है, तो जब एनसीटी की गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है कि 82 अंक पाने वाला उत्तीर्ण होगा और 90 अंक पाने वाला उत्तीर्ण होगा, तो यदि ये पास हो रहा है और वो 97 या 90 नहीं पा रहा है, वहां पास नहीं हो रहा, तो क्या उसकी योग्यता पे उंगली उठाया जा सकता है? क्योंकि सीटेड लेवल में आपने तो मांग लिया और सीटेड लेवल तो केंद्र कराती है, और जब वो केंद्र कराती है तो क्या उसके मानक सही नहीं है? क्या वो क्वालिफाई नहीं है? क्या उसकी योग्यता पे उंगली उठाया जा सकता है? जब एनसीटी की गाइडलाइन में है कि आप 82 अंक पा करके 90 अंक पा करके आप पास हो जाते हैं, तो क्या जो है 97 अंक पाएंगे या 90 अंक पाएंगे तभी आप जो है योग्य कहलाएंगे? उसके पहले आपकी योग्यता का मानक आपने तय नहीं किया है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। जो लोग सोच रहे हैं कि अनर्गल बातें, ये भी बातों को मेंशन होगी, आप स्पष्ट सुन लें, और ये मेंशन कराना भी चाहिए, लोगों को कराना भी चाहिए कि क्या जब टेट पास उसने किया 82 अंक पा करके या 90 अंक पा करके, तो क्या वो योग्य नहीं है? अगर वो योग्य है तो उससे हाई जो है आपने कट ऑफ लगाया, इसके मतलब आपके पेपर का लेवल ही नहीं ठीक था। तभी तो आप जब मानक उसने बनाया कि हम मानक बनाते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, टेट परीक्षा में किसी का भेदभाव नहीं किया, उसने भी कहा चाहे हम टेट शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, सबके लिए हमने समान मानक बनाया, वहां भी होती है, तो आप भी, आपके पास भीड़ है, आप भीड़ छांटने के लिए यदि आप ये लगाते हो, कट ऑफ लगाते हो कि हम भीड़ को छांट रहे हैं, तो भीड़ को छांटने के लिए आपकी योग्यता का मानक आपको पहले से लगाना चाहिए था ना। हमने कहा, आपने कहा कि हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा थी, हमने उसको हाई कट ऑफ लगा दिया। तो जब कोई भी चीज का सिलेबस का निर्धारण पहले जब आप पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो सिलेबस का निर्धारण किया जाता है। जब तक आप सिलेबस नहीं बताओगे पहले से बच्चे को, तब तक अध्यापक कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा,
इसी प्रकार जब आप पहले से ये नहीं बताओगे कि हमने ये कट ऑफ लगाया है, ये मानक तय किया है, इसके अनुसार आपको पास करना, ये बाउंड्री हमारी है और इस बाउंड्री को क्वालिफाई करना है, तो जो बाउंड्री आपकी मिल जाती है तब आप क्वालिफाई करोगे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको बताया नहीं गया था। लेकिन अगर आपने बताया भी नहीं है और बाउंड्री बाद में लगा दिया कि दौड़ते दौड़ते आया, आपको रोक दिया गया, यहां तक आओ, यहां के बाद जंप करो, अब समस्या आ जाएगी। जैसे एक धावक दौड़ते दौड़ते आ रहा है, उसको पता है कि हमको यहां तक है, तो रनिंग ज्यादा करता है, इसको बाउंड्री यहां पता है तो रनिंग दूसरे टाइप करेगा। हर व्यक्ति की रनिंग होती है, क्योंकि बाउंड्री के अनुसार ही धावक उसकी रनिंग का करने लगता है कि हमको किस प्रकार रनिंग करता है। तो वो बाउंड्री को पहले बताना चाहिए और उसी अनुसार धावक अपना निर्णय लेता है, अपना डिसीजन लेता है कि हमको किस प्रकार रनिंग करना होता है। बहुत सारे भी अनर्गल अलाप करेंगे क्योंकि लगेगा उनके इतना योग्य कोई नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आप इतने योग्य थे, 120 नंबर पा गए, 140 नंबर पा गए, 135 नंबर पा गए, तो आप अगर इतने योग्य हो तो क्यों नहीं GRF नेट है, UGC की महाविद्यालय की भर्ती आती है, उसमें क्यों नहीं आप ट्राई करते हो? अगर आप इतने योग्य हो, राजकीय की भर्ती आती है, राजकीय में आपका क्यों नहीं हो गया, LT में आपका क्यों नहीं हो गया? अगर आपके पास इतनी योग्यता है, 16 विषयों का बहुत बड़ा ज्ञान है आपके पास, 18 विषयों का ज्ञान है, 16 विषयों का ज्ञान है, 11 विषयों का, अगर आपके पास इतनी बढ़िया नॉलेज है कि आप 120 नंबर पा सकते हो, तो LT की परीक्षा में आप जो आता है, TGT की परीक्षा होती है, या राजकीय में बहुत नवोदय में निकलती है वैकेंसी, वहां भी प्राइमरी लेवल का होता है, जूनियर लेवल का होता है, तो हर साल वैकेंसी आती है नवोदय की, KVS की वैकेंसी ऐसा। तो आपने अगर आपके अंदर उतनी योग्यता है तो वहां आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अचानक आपकी बुद्धि अचानक बढ़ गई कि आपने अचानक पता, पहले से पता नहीं था और आपने अचानक ऐसा छलांग लगाया कि जो है जंप कर गए तुरंत। तो ये केवल और केवल अनर्गल अलाप है। अगर आपके पास योग्यता का इतना अच्छा ज्ञान था, इतने बढ़िया ज्ञान था, तो आप KVS में जाओ, नवोदय में जाओ, सारे जगहों पे जाओ, आप अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करो, कौन रोका हुआ है आपको? लेकिन ये अनर्गल लाभ है। यदि बाउंड्री को पहले नहीं बताई गई तो धावक कैसे दौड़ेगा? धावक का दौड़ने के लिए होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत मुद्दा उठाना आवश्यक होता है। बहुत सारे अनर्गल लाभ आप लिखेंगे कि आपने ये गलत कहा, तो उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, केवल अपने हित की बात को चैनल पे नहीं कहा जाता है। चैनल एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है कि सारी बातों को कहा जाएगा। हम कह रहे हैं 60-65 बहुत बढ़िया है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पहले से बताना चाहिए। आप 80% लगा दो, 90 लगा दो, हम कह रहे हैं आप लगाओ आप, लेकिन पहले से बता के आप लगाओ। सिलेबस आपको पता नहीं, एग्जाम आप लेने जा रहे हो, बच्चे का बोर्ड का परीक्षा हो रहा है, सिलेबस आपने निर्धारण नहीं किया, किस आधार पर आपका एग्जाम करा रहे हो? आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ जाएगा? तो पहले सिलेबस निर्धारण होना चाहिए, फिर कितने अंक पाना है उसके बाद अभी IIT के एग्जाम में बच्चों का था कि 70% पाना अनिवार्य है, 75% पाना अनिवार्य है, तो बच्चा जो है IIT की परीक्षा में बैठेगा। अभी इस समय आया कि कोरोना के काल में बच्चों का यह मानक हटा दिया गया कि 70% की जो बाउंड्री थी वो हटा दी गई। तो बताए इस काल में जब आपको हटा दिया गया है, ये समय से बताया नहीं गया सिलेबस क्या है, सिलेबस को भी घटा दिया गया। अभी आप देखेंगे पहले से सिलेबस जो है NCT ने पहले से घटा दिया, NCERT ने पहले से घटा के रखा हुआ है। जब NCERT अपने पाठ्यक्रम को पहले से निर्धारण करती है कि हमको कितने बच्चों को लेना है, कितना परसेंटेज लेना है, वहां पे IIT का जो एग्जाम होता है, CBSE के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें निर्धारण होता है, तो आपका भी निर्धारण करना चाहिए। हम योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल ये है कि आप 80% लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता के लगाओ। अब बता के लगाने से विवाद कभी नहीं होगा। ये विवाद का जड़ स्वयं सरकार ने उत्पन्न किया है, स्वयं लोगों ने उत्पन्न किया, या लोगों की मंशा के अनुरूप आपने काम किया है, ये गलत है। यदि कोई 80% पा रहा है वो योग्य है, वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन इस तरह पहले लगाना चाहिए था। तो ये बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, विवाद हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को रखेंगे लोग, और इन्हीं को आधार मान के सुप्रीम कोर्ट फैसला देंगे। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा? ललित साहब का यदि जो है इतिहास देखा जाए तो सरकार के पक्ष में जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट को SM को 2 बार मौका मिला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही दिया था, उनके मौके को जो है देखा जाए कि तो उनके पक्ष में जा रहा है। यदि दोनों के बीच के रास्ते को देखा जाए, हमने कहा कि टेट की मार्क्स को देखा जाए तो टेट का 82 और 90 अंक के मार्क को देखा जाए तो भी एक मानक बन सकता है। तो ये 3 रास्ते बन रहे हैं वर्तमान समय में।
जो ज्ञान हो रहा है तीन तीन रास्तों को हो रहा है, अब फैसला जज महोदय को देना उनका विशेष अधिकार है, किसी को फैसला दे सकते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।